हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में आप समझने वाले साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके एग्जांपल्स और साथ ही साथ क्या मूवमेंट्स वो शो करते हैं, तो ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, जिसमें मैंने तीन जॉइंट के बारे में बताया था, एक था फाइबर्स, दूसरा ये कार्टिलेजियस जिससे मैंने डिटेल में बात किया था, और वो पार्ट वन वीडियो थी। ये पार्ट टू वीडियो में मैंने साइनोवियल जॉइंट्स को लिया है, तो पहले उसे देख लीजिए। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, एक बार चेकआउट कर लीजिए। साइनोवियल जॉइंट्स आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस और कैप्सूल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि जो दो बोन्स आर्टिकुलेट हो रही है एक स्पेसिफिक साइट पे, वो साइड साइनोवियल जॉइंट की जो साइट है वहाँ पे एक कैप्सूल सा बना हुआ होता है, और वो कैप्सूल में कुछ फ्लूइड होता है। द कैप्सूल इज़ लुब्रिकेटेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। मोस्ट साइनोवियल जॉइंट्स परमिट अ रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि ज़्यादातर सब साइनोवियल जॉइंट कुछ रेंज में मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। यह आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं साइनोवियल जॉइंट का, इसमें जो बोन्स आर्टिकुलेट हो रही है तो वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एपिफाइसिस में, जो कि हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, और इसका दूसरा नाम है हाइलिन कार्टिलेज। तो इसमें ये क्या करता है, एक तो यह फ्रिक्शन को कम करता है, और एक तरह से ये क्या करता है, मूवमेंट आसान हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि स्मूथ सा कार्टिलेज है, और शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है, बॉडी को भी बियर करता है, यानी बॉडी वेट को बियर करता है, और इसके आजू बाजू जो कैप्सूल है बना हुआ है वो कैप्सूल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि इसको लुब्रिकेशन देता है अंदर के स्ट्रक्चर्स को और कार्टिलेज को भी। फिर इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो इनर मोस्ट लेयर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि सिक्रेट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, और जो भाव की टफ लेयर है वो फाइबरस टिश्यू से बनी होती है, जो कि बहुत टफ है लेकिन लूज है, जिससे आसानी से मूवमेंट प्रोवाइड करती है। अब हम चलते हैं मूवमेंट्स की ओर। ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके वजह से आप सारे टाइप्स को समझ पाएंगे साइनोवियल जॉइंट के। पहला मूवमेंट है फ्लेक्सन, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट, जो भी आप हाथ को या नी को, यानी कि आप जब एल्बो या नी को मतलब बेंड करते हो तो उसे फ्लेक्सन कहते हैं, और अगर आप उसे स्ट्रेट कर देते हो तो नी और एल्बो को स्ट्रेट करने वाले मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहेंगे। अब अगला है एबडक्शन, तो मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके मिड लाइन बॉडी की जो मिड लाइन है उससे आप हाथ या फिर पैर को दूर ले जाते हो तो उसे हम कहेंगे एबडक्शन, और अगर उसे मिड लाइन की तरफ ले जाते हो या टूवर्ड्स द मिड लाइन तो उसे हम एडक्शन कहेंगे। अब सर्कमडक्शन, द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब सो दैट इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ कोन, यानी कि आप जैसे कि राइट हैंड उठाओ, उसको स्ट्रेट कर दो और फिर गोल गोल घुमाओ, रोटेशन दो, सर्कल बनाओ, तो एक कोन बनेगा शेप, तो वो कोन शेप जब बनता है उस मूवमेंट को हम कहेंगे सर्कमडक्शन। अब रोटेशन मूवमेंट, तो मूवमेंट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ अ बोन, जैसे कि आप हेड को रोटेट करते हो तो वो जो मोशन है वो रोटेशन मोशन है, यानी कि आपको किसी को कहना है ना कहना है तो आप अपने सर को हिलाओगे, उसे ही हम कहेंगे रोटेशन मोमेंट। फिर प्रोनेशन मोमेंट, टर्निंग द पाम ऑफ हैंड डाउन, यानी कि आप अपने जो पाम है हाथ के उसको नीचे को करोगे डाउन साइड में तो उसे हम कहेंगे प्रोनेशन, और सुपिनेशन यानी आप अपने पाम को ऊपर की साइड पे करेंगे टर्न करेंगे
तो उसे कहेंगे सुपिनेशन। इन्वर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड्स, यानी कि आप जो अपने पैर या फुट के सोल को जब आप अंदर की साइड को ले जाओगे, नीचे की साइड, तो वो इन्वर्जन हुआ। और इवर्जन यानी कि टर्न द सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड्स, ऊपर की साइड को, बाहर की साइड को जब आप फुट को टर्न करोगे तो इवर्जन हुआ। अब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, तो इस सिक्स टाइप के होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। साइनोवियल जॉइंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल और टू द शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि हमने साइनोवियल जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स, मूवमेंट कैसे शो करते हैं और कैसे मूवमेंट पॉसिबल है और उसके पार्ट्स कैसे हैं, कौन से पार्ट इन्वॉल्व करते हैं जॉइंट बनाने में। तो ये छह टाइप के हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और उसे प्लेन जॉइंट भी कहते हैं, फिर पाइवोट जॉइंट और कॉन्डिलार जॉइंट और आखिरी है सैडल जॉइंट्स। इसको बारी बारी देखते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, द हेड ऑफ वन बोन इज बॉल शेप्ड एंड आर्टिकुलेट्स विद अ कप शेप्ड सॉकेट ऑफ अनदर, यानी कि एक बोन बॉल शेप की और जो दूसरी बोन उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है वो कप शेप्ड सॉकेट जैसी है, वो दोनों जुड़ते हैं और जॉइंट बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द जॉइंट अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स इंक्लूडिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ये जो मूवमेंट आपको बताई मैंने ये सारी मूवमेंट्स शो करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो शोल्डर एंड हिप जॉइंट, तो आप शोल्डर को कहीं भी घुमा सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो, हिप को भी अपने पूरे लेग को घुमा सकते हो, तो ये दोनों जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ये देखें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, दोनों जोड़कर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं दो बोन्स। अब हिंज जॉइंट पर चलते हैं। द आर्टिकुलेटिंग एंड्स ऑफ द बोन्स फॉर्म एन अरेंजमेंट लाइक अ हिंज ऑफ ऑन अ डोर, यानी कि ये जो है दो बोन्स मिलके एक हिंज जैसा बनाते हैं डोर का, जैसे कि आपने डोर में देखा होगा जो डोर जुड़ा हुआ होता है दीवार से हिंज के द्वारा, तो वो हिंज जैसा शेप बनाते हैं दोनों बोन्स मिलके। एंड मूवमेंट इज़ देयरफॉर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसमें ये दो मूवमेंट ही हो सकती है, या तो आप जैसे कि एल्बो है तो एल्बो को या तो आप आगे को कर सकते हो या फिर या तो बैकवर्ड कर सकते हो, इनवर्ड कर सकते हो या स्ट्रेट कर सकते हो, और तो कुछ हो नहीं सकता। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल में भी, एंड जॉइंट्स बिटवीन द फेलेंजेस ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, तो इन सब जगह हिंज जॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं, हिंज जॉइंट से जुड़े होते हैं। ये वह हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर, एक बोन दूसरे जॉइंट बोन में आ जाती है, जुड़ जाती है और खाली दो ही मूवमेंट्स वो कर सकती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। द आर्टिकुलर सरफेसेस आर फ्लैट और वेरी स्लाइटली कर्व्ड एंड ग्लाइड ओवर वन अनदर, यानी कि जो सरफेस यानी दो बोन जो आर्टिकुलेट हो रही है वो बहुत फ्लैट है या फिर थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, जो एक दूसरे पे ग्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। बट द अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा एकदम ज़रा सा मूवमेंट शो करती है। और ये जो ग्रुप का जॉइंट है यानी कि ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो सबसे कम मूवेबल है, सबसे लीस्ट मूवेबल जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट्स में से। जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स इन द रिस्ट, द टार्सल बोन्स इन द फुट, यानी कि हमारे जो रिस्ट में रिस्ट के जो बोन्स हैं तो वो बोन और मतलब वो जॉइंट्स और एक जो फुट में जो टार्सल्स बोन्स हैं तो वो ये इसी जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइड करते हैं।
ये आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से एक बोन दूसरे पे ग्लाइड करते हैं, चढ़ते हैं। पाइवट जॉइंट, दिस जॉइंट अलाउस अ मूवमेंट और अ लिम्ब टू रोटेट, यानी कि ये रोटेशन में हेल्प करते हैं। वन बोन फिट इंटू अ हुप शेप्ड लिगामेंट डेट होल्ड्स इट क्लोज टू अनदर बोन एंड अलाउड्स टू रोटेट इन द विंग, थस फॉर्म्ड, एक विंग जैसी फॉर्म हो जाती है जब हम रोटेट करते हैं इस जॉइंट को। तो इसका एग्जांपल बहुत ही नोन है, जैसे द हेड रोटेट्स ऑन द पाइवट जॉइंट। आप अपने हेड को जब रोटेट करते हो तो वो पाइवट जॉइंट कहलाता है, यानी वो जॉइंट पाइवट जॉइंट है, इसलिए आप हेड को कहीं भी रोटेट कर सकते हो। इसका आप देख सकते हो इमेज, पाइवट जॉइंट का ये आराम से रोटेट कर सकता है। अब कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, द कॉन्डाइल इज स्मूद राउंडेड प्रोजेक्शन ऑन अ बोन एंड इन अ कॉन्डिलॉइड जॉइंट इट्स सिट विद इन अ कप शेप्ड डिप्रेशन ऑन द अदर बोन। तो ये राउंडेड प्रोजेक्शन जो कि बहुत स्मूद है वो दूसरी बोन में बैठ जाता है, कप शेप्ड बोन पे। एग्जाम्पल, द जॉइंट बिटवीन द कॉन्डिलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड द टेम्पोरल बोन, जॉइंट्स बिटवीन द मेटाकार्पल एंड फेलेंजियल बोन्स ऑफ द हैंड। यानी कि एक तो मैंडिबल जो हिला पाते हो मैंडिबल को ऊपर नीचे, तो वो भी इस वजह से होता है कॉन्डिलर जॉइंट की वजह से। और जो मेटाकार्पल और फेलेंजीज जो आपकी उंगलियां और पैर की जो उंगलियां हैं, तो उनकी जो बोन्स जुड़ी होती है वो इसी जॉइंट से जुड़ी होती है। और मेटाकार्पल और फेलेंजिस में भी यही जॉइंट होता है फुट के। दिस जॉइंट्स परमिट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। तो ये सारी मूवमेंट्स शो करती है हमारी उंगलियां और वो सब जॉइंट्स। आप उंगलियों को आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह कर सकते हो, तो ये सारी मूवमेंट शो करती है। और सर्कमडक्शन यानी आप इसको कौन शेप में घुमा भी सकते हो, कौन शेप बनती है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये चारों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब सैडल जॉइंट, द आर्टिकुलेटिंग बोन फिट टुगेदर लाइक अ मैन सिटिंग ऑन अ सैडल। तो आपने किसी इंसान को देखा होगा कि हॉर्स राइडिंग में, जैसे तो वो हॉर्स के ऊपर बैठा होता है, तो वो सबसे पहले एक चीज़ को रखता है जिसके ऊपर वो खुद बैठता है, तो वो चीज़ सैडल होती है। तो इसमें भी ऐसा ही है जॉइंट में, तो वो इसके जैसा ही लगता है, सैडल जैसा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैडल जॉइंट इज़ एट द बेस ऑफ थंब। थंब के बेस पे सैडल जॉइंट होता है, इसलिए आप उसे बहुत ज़्यादा घुमा सकते हो इधर उधर। द रेंज ऑफ मूवमेंट इज सिमिलर टू डेट ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट बट विद एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट में देखा था कि उंगलियाँ को आप चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हो, तो ये थंब में भी सेम ही मूवमेंट्स है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है सैडल जॉइंट में, इसलिए आप थंब को दूसरी उंगलियों से भी छू सकते हो, इधर उधर ज़्यादा घुमा सकते हो। या आप फोटो देख सकते हो, ऐसा ही नहीं लग रहा आपको इंसान एक सैडल पे बैठा है, इसलिए सैडल जॉइंट कहते हैं इस। तो ये हो गए 6 टाइप के स्टाइनोवियल जॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें साइडिक यानी साइंस डिक्शनरी चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।